Dear students, assalamu alaikum. I'm your English teacher, Ma'am Maria. Welcome to your English online class 3. Students, I hope all of you will be fine by the grace of Allah. Students, today we started revision unit 1, Roger's bow and arrow. Students, humne is chapter ki reading class mein during lecture ki thi. ठीक है तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड अगेन एक्सप्लेन दिस यूनिट रोजर्स क्रैन हैड अ पेयर ट्री ग्रीव राइट अलोंग द हर ग्राउंड अलोंग साइड द हर हाउस रोजर्स जो होता है ये बॉय है और ग्रैन इसकी जो है होती है ग्रैंड मदर होती है ग्रैन ठीक है इनके घर के साइड पे पेयर का ट्री लगा हुआ होता है जिस पे रोजर का जो हैंड है वो उस तक नहीं पहुंच जा सकता तो रोजर जो है वो क्या करता है लैडर रख के जो है वो पेयर को पिकअप करता है पिक करता है तो उसकी ग्रैंड कहती है वेरी वेल बहुत अच्छा तो वो उसी तरह क्लाइम करके लैडर पे चढ़ जाता है तो लैडर क्या जो लैडर पर चढ़कर वो क्या कहता है व्हाई डू द बिगेस्ट एंड बेस्ट पेयर ग्रो ऑन द एंड ऑफ द ब्रांचेस तो जैसे ही वो देखते हैं तो एंड जो जो उसकी टहनी उसके एंड पे बहुत बड़ी पेयर लगी हुई होती है तो वो अपनी दादों को कहता है कि इतनी बिगेस्ट एंड बेस्ट पेयर है ग्रो हो रही है तो उसकी वो दादों को बताती है वहाँ तक वो पहुँच वेयर नो वन कैन रीच द ग्रैन आस्क्ड रोजर एज दे वर पिकिंग द फ्रूट तो वो रोजर जो है वो उसको पिक कर लेता है तो जैसे ही वो रोजर पिक करता है तो वो उसकी दादों के ने आगे से कपड़ा रखा होता है तो वो उस कपड़े को फैला के जैसे रखा होता है तो वो जो जैसे ही वो एरो सकर उसकी इस शॉप करता जैसे ही एरो वहाँ पेयर्स पर मारता तो वो क्या कहते हैं पेयर्स सारी नीचे आ जाती ठीक है तो वो एंड द एंड क्या हुआ तो रोजर्स ने अपनी जो पेयर्स थी वो एट द एंड उसने अपना टारगेट राइड कर लिया उसका टारगेट जो था वो कंप्लीट हो चुका था और वो आसानी से उसने पेयर्स तोड़ ली इसकी जो दादो थी उसने क्या कहा राइट ऑन लॉफ्ट हिज ग्रैन ओके नेक्स्ट है एक्सरसाइज स्टूडेंट्स ये 5 क्वेश्चंस हैं ये आपने याद करने हैं आपने अपनी कॉपीज पे नहीं करना बी पार्ट है एक्सरसाइज बी इंस्टेड ऑफ लगा के ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं ये भी आपने अपनी कॉपीज पे नहीं करना जस्ट याद करना है ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू योर नेशनल लैंग्वेज जो जो आपकी को मैंने एक्सरसाइज करवाई हुई है ट्रांसलेशन करवाई हुई है डी एक्सरसाइज करवाई हुई है एंड ये यूजिंग द यूज़ द फॉलोइंग एडवर्ब्स एडवर्ब को यूज़ करके हमने ये फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट की हैं ये भी आपने याद करने हैं लिखने नहीं हैं और नेक्स्ट है वर्ड्स मीनिंग अलोंग साइड साइड लीन टंग गैस एंड श्योर तो ये भी आपने अपनी कॉपी पे नहीं लिखना जस्ट याद करना है आपने ये अपनी कॉपीज पे पहले लिख चुके हैं ओके स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़ स्टे ब्लेस्ड